मुंबई देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। यहाँ रात कभी नहीं होती है, रात में भी यहाँ अंधेरा नहीं होता और जिंदगी कभी थमती नहीं है। लेकिन आपको शायद ही यकीन होगा कि इस माया नगरी के चमक के बीच एक रूहानी आत्मा भी रहती है। भूत प्रेत का नाम लेते ही पुरानी हवेली, कब्रिस्तान या सुनसान जगहों की तस्वीर मन में आ जाती है। लेकिन यह भूत सुनसान में नहीं बल्कि एक चौल के आसपास भटकती है, जहाँ दिन भर लोगों की चहल पहल बनी रहती है। माया नगरी जिसे हम मुंबई कहते हैं, मुंबई में माहिम के डिसूजा चौक, कहा जाता है कि इस चौल के आसपास एक भूतनी की आत्मा भटकती है। यह भूतनी करीब 25 साल पहले इसी चौल में रहती थी। एक रात कुएं से पानी लेने के लिए जब आई तो गलती से कुएं में गिर गई और कुएं में डूबकर उसकी मौत हो गई। अब इस कुएं को बंद कर दिया गया है, तब से उसकी आत्मा यूं ही चौल में घूमती दिख जाती है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर रात के समय उस प्रेत आत्मा को देखा भी है, लेकिन इस आत्मा को लोग अच्छी आत्मा के तौर पर देखते हैं। आज भी उस कुएं पर लोग प्रेत आत्माओं के शांति की प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी माया नगरी मुंबई में स्थित डिसूजा चौल की। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी और आप हमारे वीडियोस को पहले ही देख लेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।